अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप लोग भी इंटरनेट से पैसे कमाना चाहते हैं तो इंटरनेट से पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, मगर मैं आप लोगों को जो आज बताऊंगा उनमें से एक है फाइवर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने क्या सुना होगा फ्रीलांसर। फ्रीलांसर फ्रीलांसर क्या होता है? फ्रीलांसर होता है कि जब कोई सर्विस अपनी बेचता है या अपनी सर्विस देता है किसी को। तो यहाँ पर हम फाइवर पर आप गोरों को सर्विस देते हैं और पाकिस्तान के बंदों को सर्विस देते हैं या और किसी क्लाइंट को सर्विस देते हैं, मगर यहाँ पर हमें डॉलर में पैसे आते हैं। तो ये किस तरह तरीकेकार होता है ये मैं चल के वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को फाइवर के बारे में कुछ बता दूं। जैसे हम फाइवर की प्रोफाइल लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा ऑटोमेटिक अकाउंट बनता है वो फाइवर का लोकल अकाउंट होता है, यानी बायर अकाउंट होता है, जिससे हम चीजें वगैरह खरीदते हैं। मगर हमने अपनी सर्विस सेल करने के लिए जो अकाउंट बनाना है उसे सेलर अकाउंट कहते हैं। हाउ टू मेक सेलर अकाउंट, यानी कि सेलर अकाउंट किस तरह बनाया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज इसी आईडी के ऊपर आप लोगों को लाइव सेलर अकाउंट बना के दिखाऊंगा। आप लोगों ने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना। यहाँ पर मैं फाइवर लिखता हूँ, आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर जुड़े रहना है। कि जैसे मैंने फाइवर लिखा, आप लोग किसी भी कंट्री से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये देखें, मैंने फाइवर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है। यहाँ पर ये देखें दोस्तों, मैं पाकिस्तान से हूँ, यहाँ पर मेरे पाकिस्तान की करेंसी शो कर रही है। ये देखें, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, जैसे यहाँ पर ज्वाइन का बटन के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पर हमारा ये लोकल अकाउंट बन जाता है। मगर हमने लोकल अकाउंट बनाना है और सेलर अकाउंट बनाना है। पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर इसके बाद सेलर अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट भी सेलर अकाउंट बना सकते हैं, मगर हमें लोकल अकाउंट बनाना भी ज़रूरी है। यहाँ पर मैं जैसे ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये हमसे कह रहा है कि फेसबुक के ज़रिए भी आप लॉगिन कर सकते हैं और ये गूगल के ज़रिए भी, एप्पल के ज़रिए भी। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग या तो ईमेल दे दें, यहाँ पर ईमेल सबसे परफेक्ट है, या आप लोग गूगल से करें। मैं यहाँ से गूगल से ही करूँगा क्योंकि मुझे गूगल सबसे ईजी है। यहाँ पर या आप लोगों के पास आईडियाँ आ गई हैं जिस आईडी के ऊपर आप लोगों ने फाइवर अकाउंट बनाया हुआ है। याद रखें, इससे पहले अगर आप लोगों ने फाइवर अकाउंट जिस आईडी के ऊपर बना लिया, आप उस पर दोबारा ना बनाएं। उस पर बन तो जाएगा मगर आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना। यहाँ पर जैसे मैं इस अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये हमसे ये कह रहा है कि ये आपका ये वगैरह नाम वगैरह है, तो आप लोग इसे नाम को चेंज करना चाहते हैं तो ज़बरदस्त हो जाएगा। यूज़र नेम, यूज़र नेम एक दफ़ा आप लोगों ने अच्छा सा सोच के रख लेना। मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि आप अपने नाम से सेलर प्रोफाइल बनाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप अपने नाम से बनाएंगे तो आप कोई भी सर्विस सेल कर सकते हैं। मगर आप लोगों ने जैसे अब अपने ग्राफिक डिज़ाइनर का कोई नाम चॉइस कर लिया और फिर आपकी वो सर्विस नहीं बिकी, तो आप लोग SEO की जानिब भी आ सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की जानिब भी आ सकते हैं और काफ़ी सर्विस है उनकी भी गिग लगा सकते हैं। मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये नहीं कि वो गिग डिलीट होकर दोबारा नहीं लगेंगे, मगर एक दफ़ा जब ब्रांड का नाम बन जाता है ना, वो फिर ऐसे कैसे रहता है, वो चेंज नहीं होता। आप लोगों ने इसी वजह से अपने नाम से कोई अच्छा सा नाम चॉइस कर लेना है जो आपको मिल जाए। यहाँ से मैं अपने नाम का चॉइस करता हूँ, मिल जाता है तो ज़बरदस्त हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये किसी ने पहले ही लिया हुआ है, आप कोई और नाम देख लेते हैं। ये देखें दोस्तों, मैंने एक नाम चॉइस कर लिया, डिजिटल वर्क, ये मेरी सर्विस के मुताबिक ही है। मैंने डिजिटल वर्क की अपलोड करना है, इसके ऊपर मैंने इसकी गिग लगानी है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि किस तरह फेसबुक की सर्विस देते हैं, किस तरह यूट्यूब का चैनल बनाते हैं, तो मैंने इसी की गिग लगानी है और आप लोग इससे अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकते हैं। आप हमारी प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं। इसके बाद मैं ज्वाइन के बटन के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ, ये देखें, इंशाल्लाह हमें ये नाम मिल चुका है। जैसे हमें अब ये नाम मिला, अब आगे क्या करना है ये देखें दोस्तों। जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया था, नाम मिल चुका है। अब मैंने आगे क्या करना है, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, प्रोफाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से अब आप लोगों ने ये लोकल प्रोफाइल बनी है। अभी आप लोग एक प्रोफेशनल नहीं बनी, लोकल बनी है। तो ये किस तरह करनी है अब आगे चेंज आप लोगों ने, तो यहाँ से आप लोगों ने सबसे पहले आना है यहाँ से डैशबोर्ड के ऊपर। जैसे आप डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप लोगों से पूछ रहा है कि आप लोगों को इससे पहले सेलर अकाउंट बनाना होगा। सेलर अकाउंट मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि सर्विस सेल करने के लिए बिकम आज सेलर अकाउंट। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आप देखना जब हमारा ये अकाउंट बन जाएगा सेलर अकाउंट, आप लोगों ने यहाँ से भागना नहीं है क्योंकि आप लोगों को आगे प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर ये देखें, हमें कुछ बता रहे हैं कि ये सर्विस वगैरह, कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू, कंटिन्यू, ये यहाँ से ये देखिए, ये हमारी प्रोफाइल अभी 15% कम्प्लीट है। कितने फ़ीसद? 15%। ये हमने तकरीबन 80% लेके जानी है। तो यहाँ से ये हमसे पूछ रहा है कोई भी यूज़र नेम दे दें। ये यहाँ पर आप लोगों का ये शो नहीं होगा, आप लोग कोई भी दे सकते हैं। ये देखें, मैंने दे दिया नाम। और यहाँ से अब यह मुझसे पूछ रहा कोई भी अपने DP वगैरह लगा दें, तो मैं यहाँ पर अपनी ही फ़ोटो लगाऊँगा। आप कोई भी लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से ये कह रहा है कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन देनी है 600 लफ्ज़ों की,
तो ये डिस्क्रिप्शन मैंने पहले लिखी हुई थी, आप लोगों ने अपनी सर्विस के मुताबिक देनी है, जो जो आप सर्विस देना चाहते हैं। तो मैंने ये लिखी हुई है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा इतना एक्सपीरियंस है और ये मैं सर्विस देता हूँ, और अगर आप लोगों ने मज़ीद मालूम लेनी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन डाल दिए, और यहाँ से अब हमसे कह रहा है कि लैंग्वेज ऐड करें। लैंग्वेज क्या होती है कि आप लोगों ने जो ज़ुबान यूज़ करनी है, ताकि आप लोगों को कोई ऑर्डर देने के लिए आए तो उसे पता हो कि इसे ये लैंग्वेज आती है। यहाँ पे ये देखें, इंग्लिश का लेवल है, इंग्लिश बेसिक है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने इसका लेवल अगर ज़्यादा करना है, कम करना है, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं बेसिक ही रखूँगा, और इसके अलावा एक और ऐड इसे अपडेट कर देता हूँ, और इसके अलावा एक और ऐड करनी है, यहाँ पर लिखनी है उर्दू, और यहाँ पर इसे यहाँ पर ऐड, और फिर आप लोगों ने एक लिखनी है हिंदी। या आप लोगों से बात इंग्लिश में ही होगी, जितनों की बात होगी ना ये सब इंग्लिश में ही होगी, बस ये आप लोगों ने दिखाने के लिए लिखनी है, ताकि आप लोगों की ये प्रोफाइल थोड़ी सी अच्छी लुक नज़र आए। और आप लोग पंजाबी ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जिसे मैंने ये चार पांच लैंग्वेज मैंने ऐड कर दिए हैं, यहाँ पे ये देखें, आप लोगों को मैं दोबारा दिखा देता हूँ। आप लोगों ने एक नाम चॉइस कर लेना अच्छा सा, चुप करके बैठा रहे हो अब, चुप रहे वैसे तो भी। ये देखें, मैंने अपना नाम वगैरह थोड़ा सा कैपिटल लफ्ज में लिख दिया ताकि अच्छा लगे। यहाँ पर मैंने अपनी ये डिस्क्रिप्शन भी लिख दी। इसके बाद आप लोगों ने लैंग्वेज ऐड करनी है। यहाँ पर जैसे मैंने ये लैंग्वेज वगैरह ऐड की है, यहाँ से अगर आप लोगों से कोई गलती सेलेक्ट हो जाती है, और अगर आप लोगों यहाँ से आप ये देखें, मैंने जैसे ये अपनी प्रोफाइल ये यहाँ से आप लोगों को दिखाई है, और यहाँ से अगर आप लोगों से कोई चीज़ गलती से ऐड हो जाती है तो आप यहाँ पर आप लोग जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पेंसिल का आइकॉन आ सकता है, इसे आप लोग एडिट कर सकते हैं, और अगर इसे डिलीट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये हमारा 35% प्रोफाइल कम्प्लीट हो चुकी है। यहाँ से ये हमसे कह रहा है कि आपकी क्या डिजिटल मार्केटिंग है, क्या वीडियो ऑडियो एनिमेशन वगैरह जो भी आप देना चाहते हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और यहाँ से वो कह रहे हैं कि आप लोग क्या क्या करके देंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उधर वीडियो मार्केटिंग। आप लोगों ने यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है अपनी नीच के मुतालिक। और यहाँ से आप लोगों से ये पूछ रहा है कि एक्सपीरियंस क्या है। मैं यहाँ से अपना एक्सपीरियंस लिख लेता हूँ। आप लोगों ने 2-3 साल पुराना ही लिखना है, ज़बरदस्त होता है। और यहाँ से आप लोग ऐड न्यू के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से मैं आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों ने ये एक नीच सिलेक्ट है। और यहाँ से आप लोगों की स्किल की बारी आ गई है, क्या आप लोग किस स्किल में क्या हैं। मैं यूट्यूबर हूँ, यहाँ से मैं एक्सपर्ट ऐड। आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर आप लोगों ने यही सर्विस देनी है। क्योंकि आप लोगों ने थोड़ी सी गलती की तो आप लोगों को टेस्ट देना आ जाएगा, क्योंकि इसमें टेस्ट का भी इशू होता है। पर आप लोग टेस्ट नहीं देंगे तो आप लोगों की गिग नहीं लगेगी। मैं यहाँ पर आप लोगों को अच्छी अच्छी जो मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ आप लोगों ने, और आप लोगों को प्रोफाइल नहीं बनानी आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ से मैं आगे, यहाँ से आप लोगों ने कोई भी ऐसे सेलेक्ट कर लेनी है, और ये सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप लोगों ने 4-5 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने अपनी एजुकेशन लिखनी है। पहले आप अपनी ये यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी कंट्री के अंदर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग अपनी लिख सकते हैं। मैं जैसे पाकिस्तान से हूँ तो यहाँ से मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का कॉलेज का नाम दे देना है। यहाँ से जैसे मैं UET सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आप लोगों ने क्या कर किया हुआ है, मैं यहाँ से BScS कर लेता हूँ। और यहाँ से आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस कर लेना, कब तक की थी ये, मैं 2022-19-20। ये यहाँ से आप लोगों ने इसके बाद स्किल ऐड करने के बाद यहाँ से आप लोगों से ये पूछेगा, ये मैंने अभी ऐड किए हैं, ये देखिए पाकिस्तान, ये आप लोगों से लोकेशन पूछ रहा है। तो आप लोगों ने ये अपनी लोकेशन वगैरह, डिग्री वगैरह कोई भी आप फर्जी दे सकते हैं। यहाँ से करेक्टेड सर्टिफिकेट आप लोगों ने, ठीक है, यूडमी लिख देना है। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट ऐड करना चाहते हैं, ज़बरदस्त हो जाएगा, यहाँ से आप लोगों का स्कोर हाई हो जाएगा। और नहीं करना चाहते फिर भी कोई मसला नहीं है, तो यहाँ से मैं नहीं करूँगा अपनी वेबसाइट को ऐड। यहाँ से मैं ये पेज भी आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लोगों ने देखें,
एक दफा दोबारा देख लें। यहाँ से आप लोगों से कहा गया है या 2 से 5 तक आप लोगों ने नीच सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ से मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग वो कह रहे हैं कहाँ से कब तक की थी आप लोगों ने, मैंने 2016 से 20 तक का ये लिख दिया और 5 यहाँ से मैंने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। और इसके बाद आप लोगों से स्किल पूछ रहा है तो कौन कौन से कैसे कैसे स्किल की हैं आप लोगों ने, ये मैंने अपनी स्किल लिख दी है। यहाँ से आप लोगों ने अपनी स्किल लिखनी है अपने बारे के अंदर जो जो आप सर्विस देना चाहते हैं। और फिर यहाँ से आप लोगों से एजुकेशन का पूछ रहा है, मैं पाकिस्तान से, यहाँ से UET मैंने सेलेक्ट की है और BCS किया हुआ है और यहाँ से सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, ठीक है, यहाँ से 2020 के अंदर मैंने किया था। तो आप लोग कोई भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमने बस अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। यहाँ से ये देखें, जैसे मैंने कंप्लीट की, ये देखें, ये कह रहा है कि गूगल के साथ आपका अकाउंट ऐड है और यहाँ से अगर आप लोग ट्विटर के साथ भी ऐड कर दें ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ से मैं अभी ट्विटर के साथ ऐड नहीं करूँगा, यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से ये देखें, ईमेल तो वेरीफाई है, यह आप लोगों से कह रहा है कि ऐड फ़ोन नंबर। जैसे आप लोगों ने फ़ोन नंबर से वेरीफाई करनी होगी, क्योंकि जब ये आप लोगों के पास, आप लोगों ने वो फ़ोन नंबर देना है जिससे आप लोग एक्टिव रखते हैं। कोई भी फर्जी सा आप लोग ये कहें कि अभी हमें SMS आ जाएगा, हम बाद में वेरीफाई करके, इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं। जब आप लोगों ने पेपाल के ज़रिए या किसी बैंक के ज़रिए आप लोगों ने अपनी पेमेंट लेनी है तो उसके लिए वेरिफिकेशन कोड नंबर आता है। तो जब आप लोग वो कोड नंबर देंगे, जब आप लोगों के फाइवर के जो डॉलर बनेंगे, आप लोग जो कमाएंगे रेवेन्यू, फिर वो आप लोगों के बैंक के अंदर, पेपाल के अंदर, पायनियर के अंदर ट्रांसफ़र होंगे। इस वजह से आप लोगों ने वो नंबर देना है जो आप लोग एक्टिव रखते हों। अगर आप लोगों का पैसा या नंबर गुम हो जाता है तो आप लोगों के पैसे भी समझो गुम हो गए। तो आप लोगों ने इस वजह से ध्यान से करना है कि आप लोग जितने मर्जी $1,000 बने हों तो आप लोगों ने ये ध्यान से करना है। यहाँ से वो पूछ रहे हैं कि ठीक है, मैंने नंबर दिया है, वेरीफाई बाय SMS करता हूँ। यहाँ से ये मुझे थोड़ी देर में कोड आ जाता है, मैं कोड लगाता हूँ। जैसे कोड लगाता है मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। आप लोगों ने, मैंने कहा है नंबर ध्यान से लगाना है, नंबर ध्यान से लगाना है, इसमें आप लोगों ने कोई रिस्क नहीं लेना। और आप लोगों के पास नंबर नहीं है तो आप अपने बड़े भाई का भी लगा सकते हैं कि जिनका ये आप लोगों को पता हो कि ये कंफर्म चलता रहता है। अगर आप लोगों का ये है ना कि हमारा आज है कल गुम हो जाएगा, परसों गुम हो जाएगा, या दोस्त का नंबर है वो किसी वक्त बंद करवा सकता है, तो इस वजह से आप लोगों ने ये ध्यान से करना है। ये जैसे मैं वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से ये कह रहा है कि ये वेरीफाई हो चुका है। यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन वगैरह मांग रहा है कि क्या नाम आप लोग रखना चाहते हैं, तो मैं अपना ये कोई भी नाम रख लेता हूँ। और आप लोग पासवर्ड वगैरह भूल भी जाते हैं तो आप लोग ये अच्छी तरह रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था, ये ओके किया, यहाँ पे ये मेरे 70% कम्प्लीट हो चुकी है। अब मैं जैसे फिनिश के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें दोस्तों, ये कह रहा है कि ऑल डन, और ये फिनिश के ऊपर क्लिक कर रहा है। जैसे मैं फिनिश के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मुझे अगले पेज के ऊपर लेके गया चला है, गिग वाले पेज के ऊपर। यह हमारी, इसका मतलब प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने ये गिग लगानी है। यहाँ पे ये देखें दोस्तों, मैं आप लोगों को उसका डाटा दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने सब डाटा इकट्ठा किया हुआ है, क्या क्या सर्विस देनी है, कैसे कैसे देनी है, और इसका चैनल आर्ट का साइज, यानी जो आप लोग गिग लगाते हैं उसके ऊपर जो थंबनेल चलती है और उसका क्या साइज होता है, ये सब चीज़ मैंने आप लोगों को ये इसके अंदर सिखा दी। ये देखें, ये मैंने थंबनेल बनाई हुई है, इसका क्या साइज है, ये कैसे बनाना है, ये आप लोग हमारी ये पूरी सीरीज देख सकते हैं। हमारे मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग भी कोरोना के अंदर आकर अपनी ये फ्री सर्विस दे सकें और अच्छा खासा